सुनिए सुनिए, आप सभी यहाँ जितने भी आप लोग वासियां हैं वो सब सुनिए। एक गांव में सरकार की तरफ से एक स्कीम आती है, आइए तो देखिए क्या होता है। वो स्कीम के बारे में थोड़ा जानिए। दीदी दीदी अच्छा है। हाँ मैं अक्षोर, कौन? हम सरकार की तरफ से आए हैं एक तो स्कीम लेके, इसके बारे में आपको बोलना चाहता हूँ मैं। क्या सरकार की तरफ से स्कीम? जी आइए आइए अंदर आइए। बेटी बेटी नाना आइए आइए। बैठी बैठी ना बैठी। बेटी बेटी चाय बनाना। हाँ नहीं नहीं चाय नहीं चाहिए मुझे। ये होगा होगा, आप इतना अच्छे हो, हमको स्कीम भी मिलेगा है ना। बेटी बेटी थोड़ा आलू काटना। हाँ आलू क्यों? आप पूरी सब्जी खा के जाइए ना, हम लोगों को पैसा भी मिलेगा है ना। कितने कितने पैसा मिलेगा? अरे अरे नहीं नहीं आपको गलत फहमी हो रही है, हम पैसा लेने के लिए नहीं आया, हम तो जल जीवन मिशन का पानी टैप देने के लिए आया। क्या जल जीवन मिशन का पानी का टैप? बेटी चाय मत बनाना। हाँ और पूरी भी मत बनाना। सुने हमें पानी नहीं चाहिए, अब बाहर निकले निकले। गाँव वालों गाँव वालों इसे मार के बाहर निकालो, मारो इसे मारो मारो। लोगों ने क्या हाल है और इसका परिणाम देखिए आगे क्या होता है। आह बेदर्द, हम बोला ना बार बार मांस से ज्यादा मत खाओ, हम थोड़ा खाया मेरा ये हाल है, तुमको क्यों नहीं होगा? अभी मेरा दुश्मन है क्या? घर में पीने के लिए पानी नहीं है, लेटरिन जाने के लिए पानी नहीं है, घर में पानी का नल नहीं है, एक बाल्टी पानी लेने के लिए तालाब जाना पड़ता है। ओए क्या हो तुम दोनों को? घर में दोनों का ही बीमार है और पीने के लिए पानी नहीं है, तालाब का पानी पी पी कर 12 महीना में तेरे तो बीमार है और उसके लिए घर पे झगड़ा हुआ। हाँ बोले से गरीब बाप कहाँ से पानी का नल बैठा सकेगा, बोलिए तो आप। क्यों तुम लोग को जल जीवन मिशन का पानी का नल नहीं मिला क्या? साल भर में बीमार के लिए इतना पैसा चाहिए और नल का पानी में आयरन बहुत होता है, ये पीने से और बीमार पड़ेगा, और इतना पैसा कहाँ से मिलेगा जल जीवन मिशन का नल बैठाने के लिए? हाँ एक आदमी आया था, हमने तो उसे भगा दिया। आया था क्यों भगा दिया? जल जीवन मिशन का पानी का नल बैठाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, ये सरकार की तरफ से स्कीम है, ये स्कीम है, बिना पैसे के घर बैठा देगा और पानी भी एकदम साफा है, ऐसा पानी पीने से हम लोग को बीमार नहीं होगा और आयरन भी नहीं है ऐसा पानी, और चिंता की कोई कारण नहीं। और तो महीने महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा तो देने लगेगा ना? नहीं लगेगा, एकदम थोड़ा सा देने लगेगा, जितना तुम लोग महीना में बीमार में खर्चा करता उससे तो कम ही लगेगा, और तुम लोग को कम पैसा में ऐसा साफा पानी पीने को मिलेगा, इसलिए घर में पानी का नल बिठा लो और आसपास का आदमी को भी बोलो साफा पानी पीना चाहिए तो बीमार नहीं होगा, और नाला भी साफा रखने के लिए बोलो। अभी समझ गया, सरकार ने हम लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था कर दिया है, हम लोगों को इसका सुविधा लेना चाहिए। वो तो अभी नल लगाने वाले लड़के को फोन करके बोला। हेलो, अब जिस गांव में आगे मैं पानी का नल बिठाने के लिए आया था उस गांव में फिर से आ जाओ। हाँ नहीं नहीं इस पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप आ जाओ। हाँ माइक्रोफोन पहले तो सरकार की तरफ से लोग आते हैं जल जीवन मिशन का पानी का टैप बिठाने के लिए, उसे भगा दिया जाता है। आइए तो देखिए क्या होता है आपकी बात। क्या कर रही हो? शाम को पानी पीने के लिए अभी से मैंने नल के नीचे ग्लास रख दी। शाम को पानी पीने के लिए अभी से क्यों रखा? तुम्हारी बात सुनकर मैंने पानी का नल बैठाया, आप पानी नहीं आता क्यों? मैंने जल जीवन मिशन का नल बैठाया क्यों? रुको क्या हुआ? अभी मैं जल जीवन के आदमी को कॉल करता हूँ। हेलो हेलो क्या हुआ? पानी का टैप में पानी क्यों नहीं आता? ये मेरा दोष नहीं है, आप लोगों का दोष है, आपका घर में पानी नहीं है, लेकिन आप लोगों का पड़ोसी का घर में सुबह से लेकर शाम तक नल खुला रहता है, आपको पानी कहाँ से मिलेगा और ऐसे भी कैसे मिलेगा? ये काम मैं छोड़ने वाला हूँ। क्यों छोड़ेगा काम? तुम लोगों को सरकार से एंगेजमेंट लेटर और महीने में 6,500 देगा, मालूम है ना? नहीं है क्या बोला? सरकार ने हम लोगों को महीने महीने में 6,500 देगा, तब तो खुशी का बात है। ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा, ये काम अच्छा से करूंगा, मिल जाएगा पानी, टेंशन मत। आज से पानी अच्छा से यूज करो। थैंक यू। आप लोगों ने आप देखिए
देखिए पानी का टैप बिठाने के बाद क्या होता है और असली और एक मजे की बात को आप देखने जा रहे हैं। देखिए इसका आनंद लीजिए। पानी नहीं है नल में, बहुत ज्यादा टेंशन है। क्या हुआ बाबू? पानी नहीं है नहाने के लिए। ओ पानी नहीं है, तुमको अच्छा नहीं मिल गया? क्यों, तू पानी देने वाला आदमी ना सरकार का आदमी? नहीं, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का आदमी हूँ। सरकार ने हमको ट्रेनिंग दिया है और जल जीवन मिशन को पानी सफा करने के लिए एक ट्रूप एग्जाम दिया है, इसीलिए हम लोग अभी मीटिंग करेगा। ओ मान गया। पानी क्यों नहीं आता मालूम है? हम लोग टैप खुला करके रखते हैं, ऐसा गलती कभी मत करना। ओ आज मालूम है बात। और मेरा बेटी का शादी है, तुम भी आना, किसी मुझे मदद कर देना। होगा होगा, मैं आ जाऊंगा। आप लोगों ने इतनी देरी सरकार की तरफ से देने वाले स्कीम जल जीवन मिशन के बारे में छोटा सा नुक्कड़ नाटक देखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट प्ले और असमीज में कहते हैं बातों टपके। ये हम लोगों ने गॉफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी के स्कूल की तरफ से हमारे बच्चों ने ये नाटक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्ले किया है और उसका आनंद आप लोगों ने लिया। और आइए अभी हम लोग क्या करते हैं, सरकार की तरफ से जो स्कीम आए हैं जल जीवन मिशन को, हम सब मिलके उस मिशन को सफल बनाएं। हर घर में शुद्ध पानी, सबका मुंह में खुशी का हंसी। हर घर में शुद्ध पानी, सबका मुंह में खुशी का हंसी। हर घर में शुद्ध पानी, सबका मुंह में खुशी का हंसी।